हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सुवर्णा प्रीति किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मकोई के स्वादिष्ट पराठे। जी हाँ दोस्तों, मकोई की पत्तियों के पराठे बनाएंगे और ये पराठे खाने में इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मकोई के पराठे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मकोई की पत्तियों को, यानी कि सॉफ्ट पत्तियों को, मुलायम पत्तियों को हमने तोड़ लिया है। उसके बाद में हमने धुल लिया है साफ पानी से, 4-5 पानी से हमने धुल लिया है। अब पत्तियों को बॉयल करेंगे। तो एक बर्तन में हमने बॉयल करने के लिए रखना है मकोई को। तो इसमें हम डालेंगे 1.5 कप के करीब पानी, यानी 1.5 ग्लास के करीब हम पानी डालकर और इसमें ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। तो गैस को ऑन कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे बॉयल होने देंगे। अब चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, मकोई अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और मकोई को ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसकी पत्तियों को थोड़ा सा पानी डालकर, यही मकोई वाला पानी डालकर, इसको बारीक पीस लेंगे मिक्सी जार में डालकर। तो मिक्सी में पीसेंगे इसे। तो देखिए, हमने पीस लिया है, बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होनी चाहिए इसमें, एकदम बारीक पीसना है। ये है गेहूं का आटा जो कि हमने छान कर लिया है। अब इसी मकोई को जो हमने पीस कर रखा है, इसी से थोड़ा थोड़ा डालेंगे मकोई को और आटा को गूंथ लेंगे। कुछ इस तरीके से आटा को गूंथने के बाद में हम आटे को कम से कम 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे रेस्ट करने के लिए। तो ये 5 मिनट के बाद हम पराठों को बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। रेस्ट करना आटे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पराठे ना बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी लोई बनाएंगे और सूखा आटा लगाकर इस तरीके से पराठे को बढ़ाएंगे, बेल लेंगे और एक एक करके पराठा हम सेक लेंगे। तो इस तरीके से गोल बेलना है। आप गोल या 3 कोने वाले भी पराठे बेल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए हैं। ये लास्ट का पराठा है। तो सरसों तेल लगाकर हमने इन पराठों को बनाया है। तो फ्रेंड्स, मकोई के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये कई बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है मकोई। तो मकोई का सेवन हम सभी को किसी ना किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए, चाहे पराठे बनाकर, चाहे इसका रायता बनाकर। हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उन वीडियोज़ की लिंक हम इस वाले वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो लीजिए, ये मकोई के स्वादिष्ट पराठे खाने के लिए तैयार हैं और बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।